इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। राधा मोहन जी का हटना थोड़ा हम लोग के लिए दुखदायी तो होगा, लेकिन बाबा जी का आना हम लोग के लिए एक सुखद आनंद का मतलब आनंद होगा। राधा मोहन दास जी अग्रवाल से, हालांकि उन्होंने अभी दो दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर से लड़ने के लिए बधाई दिया है, तो हमें विश्वास है कि उसी बधाई को वो कायम रखते हुए आगे भी भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति अपनी आस्था रखेंगे। और योगी जी के आने से एक व्यापारी में उत्साह है, उमंग है, और रिकॉर्ड मतों से विजय करा के गोरखपुर का मान सम्मान, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान आगे बढ़ाना है हम लोग को। तो विकास की गंगा जिस कदर से योगी आदित्यनाथ ने बहाया है, उस तरीके से कभी गोरखपुर वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से विकास हम लोग को मिलेगा। गोरखपुर की राजनीति की शुरुआत योगी आदित्यनाथ से होती है, और योगी आदित्यनाथ इस शहर से टिकट पाने के बाद शहर का माहौल कैसा है। हमारे साथ साहबगंज मंडी में इस वक्त तमाम व्यापारी गण, एक बार दिखाना चाहूंगा, ये सभी व्यापारी गण है जो इस मार्केट की आन मान शान है। इन व्यापारियों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या माहौल है। अरे अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी तक ठीक है, गलीमत है यहाँ पे। हाँ, अभी गलीमत है यहाँ पे। चलिए, गलीमत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आप लोगों की राय क्या है कि योगी जी टिकट पाए हैं, क्या कहना चाहते हैं? योगी जी हमेशा गोरखपुर के लिए आन मान शान रहे हैं, उनके अगेंस्ट शायद ही कोई होगा जो है कि उनके अगेंस्ट जाए। उनको हमेशा ऊंचे शिखर पर पहुंचाने के लिए हमेशा गोरखपुर की जनता एकजुट रही है। अच्छा, ये बताएं कि जैसा ये भी सुनने में आ रहा है कि राधा मोहन दास उनके खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं? राधा मोहन दास अगर सोचते हैं अलग से चुनाव लड़ने के लिए या किसी पार्टी में जा करके, वो उनकी सोच है। वो ये भूल गए जो है कि उनको योगी जी ने ही क्षेत्र में लाया है। जो है अगर वो जाते हैं भाजपा को छोड़ करके योगी जी का अगेंस्ट, तो वो भूल जाते हैं कि जो है कि हम जो है हमको योगी जी ने ही जो है निर्दल हिंदू महासभा से चुनाव लड़ाया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिश्चंद कसौतन। हरिश्चंद जी, अजी मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम? विशाल गुप्ता। विशाल जी, क्या पोजीशन है आपके शहर की, और इस सीट से योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जबकि राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट काटा गया है? देखिए, राधा मोहन जी का टिकट काटा नहीं गया है, उनकी जगह पे जो एक व्यक्तिगत चुनाव लड़ने की बात थी तो किसी न किसी को चुनाव लड़ना था, और मुख्यमंत्री हमारे इतने साहसी इतने हिम्मती हैं कि वो चुनाव लड़ करके फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और रही बात विकास की, तो विकास की गंगा जिस कदर से योगी आदित्यनाथ ने बहाया है, उस तरीके से कभी गोरखपुर वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से विकास हम लोग को मिलेगा। आज जो स्थिति है प्रदेश की, वो वाकई माफियाओं को, यहाँ तो चुनाव की बात हम बाद में करेंगे, चुनाव तो योगी आदित्यनाथ लड़ना ही लड़ना, और उनको ऐतिहासिक मान के जो चुनाव जीतेंगे वो एक ऐतिहासिक चुनाव जीतेंगे, उसमें कहीं कोई शक संदेह करने की कोई जरूरत ही नहीं। रही बात राधा मोहन दास अग्रवाल जी की, तो वो उनके चुनावी गुरु माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, अगर ऐसे में वो ये गलती करते हैं तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। जी, हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ से गोरखपुर सदर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आप लोगों की क्या राय? मेरा नाम पवन जलान है, और गोरखपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारे व्यापारियों के लिए सम्मान की बात है। हल्ला था कि यहाँ से लड़ेंगे चुनाव, वहाँ से लड़ेंगे, इसलिए हम गोरखपुर में बड़ी बेचैनी थी। और योगी जी के आने से एक व्यापारी में उत्साह है, उमंग है, और रिकॉर्ड मतों से विजय करा के गोरखपुर का मान सम्मान, उत्तर प्रदेश का मान सम्मान आगे बढ़ाना है हम लोग को। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि वो यहाँ के जिनके विधायक का टिकट कटा है, वो भी चूँकि एक व्यापारी वर्ग से ही जुड़े हुए माने जाते हैं, जबकि उनका प्रोफेशन अलग है, वो डॉक्टर हैं और वो बनिया वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में क्या आप लोगों के ऊपर कोई इनका असर है कि नहीं है? योगी जी के आगे कोई भी व्यापारी रहे या डॉक्टर रहे या किसी समाज से रहे, योगी जी के कहने के अनुसार ही उन्होंने चुनाव लड़ा था, और योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा था, और स्वयं योगी जी लड़ रहे हैं, तो इससे गर्व की बात व्यापारी के लिए क्या होगी? ये समझना चाहिए उनको भी, ये समझना चाहिए सबको। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आप काफी उम्र दराज हैं, आपका नाम क्या है?
अशोक कुमार गुप्ता है सर। अच्छा अशोक जी, ये बताएं कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आपके जो क्या नाम है राधा मोहन दास जी हैं, उनका टिकट काटा गया, तो क्या आपकी राय क्या है? वास्तव में ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि आज ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि पूज्य महाराज जी जो सदैव व्यापारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे, उनकी अगुवाई में बहुत से आंदोलन धरना प्रदर्शन में हम लोग के लिए हमेशा वो तत्पर रहे हैं। और वास्तविक रूप से उनके अलावा उनके विकास और जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में, विकास की जो नदियां बही हैं, निश्चित रूप से 70 सालों में वो हम लोगों ने अनुभव नहीं किया कितना विकास हुआ होगा। और न उम्मीद है जो 70 साल में, वास्तविक रूप से 5 साल बहुत भारी है। और ये निश्चित हम कह सकते हैं कि गोरखपुर की जनता बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान, बहुत दुज्जुबी और शांतपूर्ण तरीके से 3 मार्च को जब यहाँ मतदान होगा तो ऐतिहासिक रूप से माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। और मेरा यही कहना है माननीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल से, हालांकि उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर से लड़ने के लिए बधाई दिया है, तो हमें विश्वास है कि उसी बधाई को वो कायम रखते हुए आगे भी भारतीय जनता पार्टी हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के प्रति अपनी आस्था रखेंगे। और अगर नहीं रखते हैं तो यहाँ कोई भी निश्चित है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी लड़े और लड़ने के बाद अपनी स्थिति परिस्थिति से स्वयं अवगत होंगे। और हम तो मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोगों के माध्यम से कि आप लोग ऐतिहासिक रूप से जो सही है, जो सच्चाई है, जो सही तस्वीर है उसको आप लोगों ने प्रस्तुत किया है। और हमेशा निश्चित रूप से निडरता के साथ आप लोगों के इस कार्यों के लिए हम सब व्यापारी वर्ग प्रशंसा करते हैं और सराहनीय कार्य आप जो कर रहे हैं उसमें सदैव हम सब सही। आज देखिए वास्तव में गुंडागर्दी माफिया हम लोग वसूली हम लोग से होती थी, हम लोग परेशान थे, सारे व्यापारी वर्ग हमेशा प्रताड़ित रहते थे दूसरे के शासन में, जब जिसका जो अवसर आया चंदा लेना हो, कोई बदमाशी करना हो, गुंडागर्दी करना हो, वो करते रहे। हम सहते राज 5 साल से हम निश्चित रूप से माफियाओं से मुक्त होकर अपने व्यापार को शुद्ध रूप से कर रहे हैं। ये माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आप सब लोगों की देना, हम आप सब लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा बार बार अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने सही तस्वीर दिखला के सारे व्यापारियों को एक हौसला देने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ 19 वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री इतना हिम्मत किया है कि वो स्वयं चुनाव लड़े और ये बहुत गर्व की बात है। और हमें विश्वास है कि गोरखपुर की जनता बहुत बुद्धिजीवी और समझदार है, ऐतिहासिक मतों से उनको विजय ही नहीं बनाएगी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भी उनको स्थापित करेगी। विष्णु जायसवाल। विष्णु जी, क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है गोरखपुर से अब शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में योगी जी का चुनाव लड़ना और इनका राधा मोहन दास अग्रवाल का टिकट कटना कहाँ तक सही है? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री हैं और उसके आगे थोड़ा सा राधा मोहन जी का हटना थोड़ा हम लोग के लिए दुखदायी तो होगा, लेकिन बाबा जी का आना हम लोग के लिए एक सुखद आनंद का मतलब आनंद होगा, हम लोग को कि आनंदित होंगे कि वह बाबा अगर एक जगह से सांसदी लड़ेंगे मतलब विधायक ही लड़ेंगे तो उसका सुखद एहसास हम लोग को होगा। तो देखा आपने, लोगों को एक सुखद एहसास होगा। लोगों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के लड़ने से राधा मोहन दास का हटना उनके लिए कहीं भी किसी भी तरीके से उनको क्षति नहीं पहुंचाता है। उनकी अपनी सोच होगी, अगर राधा मोहन दास उनके खिलाफ लड़ते हैं और नहीं लड़ते हैं तो भी उनका स्वागत है। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।